दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं चाईबासा के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियाँ, जिन्हें शायद आप नहीं जानते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और चाईबासा के संबंध की। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं गांधी जी चाईबासा कब आए थे और कोल्हान की जनता को क्या संदेश दिया था, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवी कारवा में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाकर हमारे वीडियो सबसे पहले पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए कोल्हान की धरती चाईबासा में कदम रखा था, बात 1925 की है। वे चाईबासा के कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। कार्यक्रम के उपरांत गांधी जी को जानकारी मिली कि शहर के दूर पहाड़ी क्षेत्र में गौ माता के रक्षा के लिए एक संकल्प लेकर गौशाला का निर्माण किया गया है और सच्चे मन से गौ माता की सेवा की जा रही है। गौशाला को देखने के लिए गांधी जी चाईबासा गौशाला पहुँचे और कुछ समय गौशाला में बिताए। गौशाला को देखकर गांधी जी इतने खुश हुए थे कि उन्होंने के गौशाला के संस्थापक बारसी दास पारसी की पीठ थपथपाते हुए कहे थे, तुम बहुत नेक कार्य कर रहे हो, गाय की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जैसा सुनने थे उससे भी बेहतर गौशाला को देख रहे हैं। चाईबासा गौशाला में गांधी जी ने लोगों को संदेश दिया कि गाय का दूध अमृत के समान है, देश को इसकी बहुत जरूरत है। गाय को मृत्यु के बाद उनके शरीर को कभी अनादर नहीं करना, उसे सम्मान के साथ दफनाना और ऊपर से नमक डाल देना, जिससे गाय के शव को जानवर नहीं खाने पाए। इस दौरान गांधी जी ने गौशाला के डायरी में अपना शुभ संदेश भी लिखा था और अपने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।